من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम इलाके के महबूब और मुअज्ज़ज़ अहबाब जलसा कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अराकीन और इस इजलास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले वो तमाम अहबाब जिन्होंने जिस हैसियत से भी इस इजलास में तआवुन किया और क़ुर्ब व जवार से अतराफ़ व अकनाफ़ से सुनने के लिए आए हुए मोहतरम सामईन हज़रात पर्दा नशीन इस्लामी ख्वातीन प्यारी माँ और बहनों कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों मुस्तकबिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है हमारे और आप के ऊपर कि उसने हमें और आप को सबसे अच्छा और सबसे बेहतर मज़हब सबसे बेहतर दीन हमें और आपको दिया
जिस पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। इस दीन की क्या खुसूसियात हैं, क्या विशेषताएं हैं, हमारी अक्ल में ना आए वो एक अलग बात है, वरना इस्लाम के अलावा दूसरे मज़हब के मानने वाले और उस मज़हब के पैरोकारों और अकादरीन ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब अगर कोई है तो वो इस्लाम है। बकौल एक साइंटिस्ट, मैंने बहुत से मज़ाहिब का मुताला किया है, उस साइंटिस्ट ने कहा है तो सबसे बेहतर मज़हब स्टडी करने के बाद, मुताला करने के बाद मुझे इस्लाम नज़र आया, लेकिन सर्वे करने के बाद, मुआयना करने के बाद, घूमने के बाद मुझे दुनिया की सबसे बदतरीन कौम कोई नज़र आई तो वो मुसलमान नज़र आए। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसने कहा कि दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब अध्ययन करने के बाद, स्टडी करने के बाद, मुताला करने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे सबसे अच्छा अगर कोई मज़हब लगा तो वो इस्लाम लगा। लेकिन जब दौरा करके देखा तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान घूम कर देखा तो मुझे दुनिया की सबसे बदतरीन और नालायक कौम अगर कोई नज़र आई तो वो मुसलमान नज़र आई। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमान अपने मज़हब से कितना दूर हैं। त्रिपुरा के अंदर क्या कंडीशन है, लेकिन हम उसको बालाए ताक रख कर हम मैच में लगे हुए हैं और अपने मोबाइलों में हॉट स्टार ऐप को डाउनलोड करके बाकायदा हम उस मैच का सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी टीम आगे बढ़ रही है, कौन सी टीम जीत रही है। जब मुसलमानों के हालात यहाँ पहुँच जाएं तो फिर मैं समझता हूँ कि ईमान की रूह निकल चुकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तरल मुमिनीन फी तवादिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम का मसलिल जसद। मुसलमान तो ऐसा होता है रहमो करम में, शफ़क़तो मेहरबानी में, लुत्फ़ो नवाजिश में, मोहब्बतो मवद्दत में एक जिस्म की तरह होता है। अगर इंसान के जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो उसकी तकलीफ़ पूरे शरीर और पूरे जिस्म को होती है। अगर उंगली कट जाए तो उसका दर्द सिर्फ उंगली को नहीं बल्कि पूरे जिस्म को होता है। मुसलमान बिल्कुल एक जिस्म की तरह होते हैं, अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे तो वो तकलीफ़ समाज के तमाम लोगों की तकलीफ़ होनी चाहिए, सोसाइटी के तमाम लोगों की तकलीफ़ होनी चाहिए, उस मुआशरे में उस गांव के रहने वाले, उस शहर के रहने वाले तमाम लोगों का दर्द होना चाहिए। अगर एक आदमी गरीब है और उसके घर में चूल्हा नहीं जला तो
तो उसका एहसास पूरे गांव को होना चाहिए। ये मुसलमान की कंडीशन बताई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। त्रिपुरा के हालात से हम अंदाज़ा लगाएं, क्या ये दर्द है हमारे अंदर? क्या उनकी तकलीफ़ को हम अपनी तकलीफ़ समझ रहे हैं? क्या उनके दर्द को हम अपना दर्द समझ रहे हैं, या हम अपनी पुरानी रविश पर चल रहे हैं? ये हमें और आपको गौर करने की ज़रूरत है। उस साइंटिस्ट के उस जुमले पर गौर कीजिए, इस्लाम सबसे बेहतर, यानी इस्लाम ने जिन कामों से रोका था, अगर उन कामों से हम रुक जाएं तो सबसे बेहतर, लेकिन हम उन कामों से रुके नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि हम सबसे बदतर। शराब, जुआ, कमारबाजी, आतिशबाजी, कैरम बोर्ड, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो तमाशा, इन तमाम चीज़ों से इस्लाम ने हमें रोका था। आप कहेंगे मौलाना साहब क्रिकेट से भी रोका है? इस्लाम के अंदर हर वो खेल हराम है जिस खेल से आपके सर के फट जाने का डर हो या आपकी आंख फूट जाने का डर हो, इस्लाम के अंदर वो खेल हराम है। उस जमाने में क्रिकेट नहीं चलता था, तो आप पूछ सकते हैं मौलाना साहब कहाँ लिखा है हदीस में कि क्रिकेट हराम है? तो उस जमाने में तो टीवी भी नहीं चलती थी, तो कहाँ लिखा है कि टीवी हराम है? कयास किया जाएगा, हर वो खेल जिससे सर फटने का डर हो, आंख फूटने का डर हो, चोट लगने का डर हो, इस्लाम के अंदर वो खेल हराम है। आप इस पर कयास कर लीजिए। हम अपनी सोसाइटी को इन गुनाहों से कैसे पाक रखें और साफ रखें? और हां सुन लीजिए, हर वो चीज भी हराम है जिससे आपके जिस्म को फायदा कुछ ना हो और उसको इस्तेमाल करने से आपका वक्त बर्बाद हो रहा हो। मैं समझता हूं इसकी जीती जागती तस्वीर है मोबाइल, लगे हैं फेसबुक में, लगे हैं व्हाट्सएप पर, लगे हैं मैसेंजर पर। अब 1.5 GB, 2 GB रोज मिल रहा है, पैसा जा रहा है, उसको इस्तेमाल तो कर ले। हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक हमारे जिस्म को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन हम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए ये चीज भी हराम है। इस्लाम नाम है बाउंड्री का, इस्लाम नाम है तहदीद का, इस्लाम इज्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। हिंदू एक इज्म है, ईसाई एक इज्म है, यहूदी एक इज्म है, जैन एक इज्म है, इस्लाम इज्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। इज्म में और मजहब में अंतर होता है, फर्क होता है। इज्म उसको कहते हैं जिसके अंदर बाउंड्री ना हो, बाउंडेशन ना लगाई गई हो, और मजहब उसको कहते हैं कि जहां आपकी एक बाउंड्री हो, एक बाउंडेशन हो, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, आप ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, आप इतनी शादी कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ये आपके लिए हलाल है, ये हराम। इस्लाम नाम है मजहब का जिसके अंदर बाउंड्री हो, बाउंडेशन हो। दूसरे मजहब के अंदर बाउंडेशन नहीं है।
इस्लाम ने कहा है इतना इतना जब आप कमा लो और इतना इतना पैसा या इतनी इतनी दौलत तुम्हारे पास हो तब तुम्हारे ऊपर 100 रुपए में 2.5 रुपए 40 रुपए में 1 रुपया जकात है। अब 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो 2500 जकात लगेगी, 2400 नहीं पूरे 2500, 2499 देकर भी आप नहीं बचेंगे जब तक कि आप वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 50 रुपए दान कर दीजिए, 100 रुपए दान दे दीजिए, आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस्लाम के अंदर 2400 रुपए दे के भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। इस्लाम के अंदर यह है कि 1 लाख रुपए के मालिक को तो 2500 यह गरीबों का है और ये तुमसे लिया जाएगा और तुम्हारे ही दरमियान गरीबों में बांटा जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक सहाबी ने बकरी दे दी थी और उसकी रस्सी उसके गर्दन में से निकाल ली थी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुमसे जकात लेने आते थे तो तुम बकरी रस्सी के साथ खोल कर देते थे और उसकी रस्सी अल्लाह के रसूल को पकड़ाया करते थे। आज तुमने रस्सी रख ली और बकरी हमें दे दी, तो कहा बकरी ही तो जकात में है, बकरी ले जाइए, रस्सी में हम दूसरी बकरी बांध देंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था, अल्लाह के रसूल रस्सी के साथ बकरी लिया करते थे और तुम रस्सी के साथ बकरी दिया करते थे, अगर बकरी दे दी और रस्सी रोक ली तब भी मैं तुमसे किताल करूंगा, जिहाद करूंगा, लड़ूंगा। बकरी लेने के बाद भी कह रहे हैं मैं तुमसे किताल करूंगा अगर रस्सी तुमने अपने पास रख ली तो। अल्लाह के रसूल को जब रस्सी समेत बकरी दिया करते थे तो मैं भी रस्सी के साथ बकरी लूंगा, हालांकि बकरी ही जकात में फर्ज है, रस्सी नहीं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि रस्सी के साथ लेंगे। तो आप कैसे रोक सकते हैं 1 लाख रुपए में 2500 जकात बन रही है, आप 2400 दे चुके हैं, नहीं 100 रुपए नहीं, नहीं रोक सकते आप, ये गरीब का हक मारना है। एक फाउंडेशन का नाम है इस्लाम। कुरान करीम पढ़िए बार बार, कुरान करीम में कहा गया है फला तहतदु, ये करो और हद से आगे मत बढ़ो, ये काम करो और हद से आगे मत गुजरो, हद को क्रॉस मत करो। कभी कबड्डी खेले हैं ना, आपने देखा होगा एक खेल होता है कबड्डी, बीच में एक लाइन होती है, इधर जो लोग हैं वो हमारी टीम, उधर जो है वो दूसरी टीम, इस लाइन के इधर जब तक हम हैं सुरक्षित हैं, महफूज हैं, उस लाइन के वो लोग उधर जब तक हैं सुरक्षित हैं, लेकिन उधर का अगर कोई प्लेयर, कोई खिलाड़ी लाइन को क्रॉस करके हमारी हद में आ गया, हमारे मैदान में आ गया, लाइन क्रॉस करके हमारी फील्ड में चला आया, तो उसको हमें गिरफ्तार करने का, अरेस्ट करने का, पकड़ने का, टांग पकड़ के खींचने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उसने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है। हमारी हद ये है, ये लाइन के इस तरफ, अगर हमने इस लाइन को क्रॉस करके आपके हद में घुस गए, कबड्डी कबड्डी कहते हुए आपके आपके हद में हम घुस गए, तो आपको इख्तियार है कि आप हमें पकड़ सकते हैं, हम महफूज नहीं है। लाइन क्रॉस करके आपके आपके एरिया में चले गए तो हम महफूज नहीं है। इस्लाम ने एक लाइन बना दी है, इस्लाम ने एक बाउंड्री बना दी है, जब तक तुम इस लाइन के इस पार हो महफूज हो, अगर इसको तुमने तोड़ दिया उस पार चले गए, इस्लाम की हद को अगर तुमने मिटा दिया दूसरे की हद में चले गए तो आप महफूज नहीं हो, आप महफूज नहीं हो, सुरक्षित नहीं हो, आपको पकड़ा जा सकता है, आप अरेस्ट हो सकते हो, आपको वो टीम पूरी की पूरी मिलकर आप पर हावी हो सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है। यही इस्लाम कहता फलाता तदुहा, इस्लाम के दायरे में रहो और उससे आगे मत बढ़ो, ना कम करो ना ज्यादा, जितना बताया है उतना तुम्हें करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ,
इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अगर तुम तलाश करोगे, ढूंढोगे इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे दीन पर तुम अमल करोगे, फलन युक्बला मिनहु, तो वो दीन तुम्हारा हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर किसी भी दीन में चले गए आप तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वहुआ बिलआखिरति मिनल खासिरीन, और कयामत के दिन तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। कयामत के दिन आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में जाना अपने आप को जहन्नम में डालना है। यही इस्लाम की खूबी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए सब ने इसी इस्लाम की दावत दी है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया और उनके अंदर रूह डाली और जन्नत के अंदर उनको दाखिल कर दिया, फिर उन्हीं की पिसली से हव्वा को पैदा किया। आदम हव्वा दोनों जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ने कहा इस जन्नत के अंदर रहो, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, लेकिन साथ में एक हुक्म नाफिज कर दिया, इस जन्नत के अंदर तुम्हारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, जहां जाना चाहो जाओ, जहां घूमना चाहो घूमो, जहां टहलना चाहो टहलो, और जन्नत की सारी नियामतें तुम्हारे लिए फ्री हैं, जो भी तुम्हें पसंद हो खाओ, बस एक बाउंडेशन है, एक हद है, फला तकरबा हाज़े शजरा, ऐ आदम हव्वा इस दरख्त के करीब मत जाना, इस दरख्त के पास जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। जब दरख्त के पास जाने की इजाजत नहीं है तो फल खाने की इजाजत कहां से हो जाएगी। आदम हव्वा उसी दरख्त के करीब चले गए शैतान के बहकावे में आकर, और उसी दरख्त का फल खा लिया जिसके करीब तक जाने से मना किया था। फिर जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर जाता है और उन दोनों को इस नाफरमानी के इस जुर्म की पादाश में जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया जाता है। ये मंजर जो हमारा कुरान पेश करता है हूबहू सेम टू सेम यही मंजर हिंदू धर्म की नाक कही जाने वाली एक किताब है मनुस्मृति, उस मनुस्मृति के अंदर पूरा का पूरा ये मंजर मौजूद है। आशु और शत्रुपा को ईश्वर ने जब स्वर्ग में प्रवेश करा दिया तो कहा कि हाय आशु और हाय शत्रुपा तुम दोनों इस वृक्ष के निकट मत जाना। आशु और शत्रुपा उसी वृक्ष के निकट पहुंच गए और उस वृक्ष का फल खा लिया। स्वर्गीय वस्त्र उनके शरीर से उतर जाता है, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर जाता है। स्वर्ग के बड़े बड़े वृक्षों के पत्तों से उन्होंने अपने गुप्तांग को अपने शरीर को छिपाया और उसके बाद उन दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, जन्नत से निकाल कर उनको दुनिया में भेज दिया गया। यही वाकया मनुस्मृति के अंदर भी मौजूद है। इससे साफ क्लियर होता है कि आदम और हव्वा का वाकया मनुस्मृति में मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, बिलाखिर कौम ईमान नहीं लाई, अल्लाह का अजाब आया, जमीन से पानी आसमान से पानी। नूह का बेटा कनान एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बेटे आज मेरी कश्ती में बैठ जा, ईमान ले आ, अल्लाह को मान ले, तौहीद को मान ले, किश्वरबाद को कबूल कर ले। लेकिन वो नहीं माना, कहने लगा पानी पहाड़ तक नहीं आएगा। पानी पहाड़ तक पहुंच गया, नूह का बेटा ईमान नहीं लाया और नूह के सामने उनका बेटा डूब कर मर गया। जो वाकया हमारे कुरान ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का बताया, यही वाक्य मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से मिलता है कि मनु ने अपनी कौम को अपनी जाति को अपने समूह को सचेत किया, डराया और धमकाया, लेकिन जब उनकी जाति वाले समूह वाले उन पर ईमान नहीं लाए, स्वीकार नहीं किया उनके निमंत्रण को उनकी दावत को, तब ईश्वरीय प्रकोप आया, महाप्रलय आई, धरती ने भी जल निकालना शुरू कर दिया और आकाश से भी जल की वर्षा होने लगी। मनु का पुत्र एक पर्वत पे चढ़ गया,
मनु ने अपने पुत्र को बुलाया, मेरे पुत्र मेरी कश्ती में, मेरी नाव में, मेरी नाव में आ जा। मनु का पुत्र नहीं माना, अर्थात उसने मनु के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। मनु के पुत्र को मनु के सामने डुबो दिया गया और मनु का पुत्र डूब के मर गया। ये वाकया जो हमारे कुरान ने नूह अलैहिस्सलाम के संबंध में पेश किया है, यही वाकया मेरे भाइयों कुरान ने भी पेश किया है। इससे पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, उन तमाम नबियों का दीन एक था। नूह मनु है, सबसे पहले मूर्ति पूजा मनु के अंदर ही आई। और हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि सबसे पहले मूर्तियों की पूजा नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आई। नूह अलैहिस्सलाम के जो पांच बड़े बुज़ुर्ग थे नूह की कौम के, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नसर, नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह की कौम ने इन पांचों बड़े बुज़ुर्गों का बुत बनाया और उन्हीं के ज़रिए दुआएँ करने लगे और उन्हीं को पूजने लगे। मूर्ति पूजा की शुरुआत वहाँ से होती है, ये हमारा इस्लाम कहता है और हिंदू धर्म भी यही कहता है कि मूर्ति पूजा मनु के दौर से चल रही है। ये चीज आप देखते जाएं, फिर आगे बढ़िए, फिर हमें ये मिलता है। जब आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो हमें ये मिलता है कि शंकर जी की कोई औलाद नहीं होती थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक मंत्र दिया, पार्वती जी को, और पार्वती जी जब नहाने लगी तो उनके जिस्म से, उनके शरीर से जो मैल और कुचैल और गंदगी जो निकल रही थी, उस मैल और कुचैल और गंदगी से उन्होंने एक पुत्र बनाया, बेटा, और उसका नाम रख दिया गणेश। गणेश को तलवार लेकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया, किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहा रही हूं, मैं स्नान कर रही हूं। शंकर जी अपने घर आ रहे हैं, गणेश तलवार लेकर बाहर खड़े हैं। गणेश को यह नहीं मालूम कि यह मेरा बाप है और शंकर को यह नहीं मालूम कि यह मेरा पुत्र है। शंकर अंदर जाने लगे, गणेश ने कहा कहाँ जा रहे हो? शंकर जी ने कहा वाह, घर मेरा, मुझसे पूछ रहा कहाँ जा रहे हो, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं? गणेश जी बोले कि मेरी माँ ने कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना, मैंने वचन दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन वचन बेकार नहीं करूंगा। शंकर जी ने तलवार उठाई और कहा मुझे मेरे घर में जाने से रोक रहा है, पार्वती कौन है तुम्हारी? गणेश ने कहा मेरी माँ। शंकर ने कहा वाह, पार्वती मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, और तू कह रहा मेरी माँ है, मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि आज ही तो उन्होंने बनाया है। शंकर जी बोले भगवान मैं हूँ, बनाना पार्वती जी को कैसे आ गया है? दोनों में बहस चली और शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने तलवार मार दी और अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी, अंदर घुस गए। पार्वती जी ने जिद की, ये तुमने क्या किया, मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को तुमने मार डाला, उसका वध कर दिया। अब मैं उस वक्त तक तुमसे बातचीत नहीं करूंगी जब तक कि मेरे पुत्र को तुम जीवित न कर दो। शंकर जी ने पूरे जंगल में अपने पुत्र की कटी हुई गर्दन तलाश की लेकिन नहीं मिली। कहने लगे पार्वती जी ये क्या हो रहा है, अभी तो मैंने गर्दन काटी लेकिन वो गर्दन तो कहीं मिली नहीं रही है, रास्ते में एक हाथी चला रहा है। शंकर जी ने कहा अगर इस हाथी का सूंड काट कर अगर मैं गणेश जी के सर की जगह पे लगा दूं और गणेश जी को जिंदा कर दूं तो चलेगा? पार्वती जी बोली कुछ भी करो लेकिन पुत्र को जिंदा करो। तब शंकर जी ने हाथी की सूंड काटी और गणेश जी की गर्दन की जगह पर रखकर उनको जीवित किया, तब गणेश जी जिंदा हो गए।
फूल की तह जम गई इस वाके पर, हमने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, इस किस्म का कोई वाकया कुरान और हदीस के अंदर भी मिल जाए ताकि हम अपने हिंदू भाइयों को बता सकें कि देखो ये चीज हमारे यहाँ पर भी पाई जाती है। लेकिन हूबहू तो नहीं मिला, लेकिन उससे मिलता जुलता एक वाकया मिल जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सालों साल कोई औलाद पैदा नहीं हुई, वो दुआ मांगते थे रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे सवाले बेटा दे, अल्लाह मुझे नेक बेटा दे। 99 साल की उम्र में, 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उनको एक बेटा दिया, नाम रखा इस्माइल। जब वो बेटा 13 साल का हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा सपने में कि मैं अपने बेटे को जिबा कर रहा हूं और अल्लाह मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। तब अपने बेटे से उसका इजहार किया, बेटा तैयार हो गया। हजरत इब्राहिम यूं कहते हैं अपने बेटे से, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुक फंजुर माज़ा तरा, मेरे लगते जिगर, मेरे बेटे, मैंने आज की रात ख्वाब देखा है कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को जिबा कर रहा हूँ, अपने बेटे को काट रहा हूँ, यानी अल्लाह मुझसे तुम्हारी कुर्बानी मांग रहा है, तुम्हारा क्या इरादा है? फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी राय क्या है? इस्माइल अलैहि सलाम ने फौरन जवाब दिया, या बतिफाल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सादिरीन, अब्बू जान आपको आपके रब ने जो हुक्म दिया है उस काम को आप कर डालिए, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे। तब इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को पेशानी के बल जमीन पर लिटा दिया और तेज छुरी बेटे की गर्दन पर चलाने लगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का उधर हुक्म हुआ, बस नहीं आए छुरी, तू अपना काम नहीं करेगी। इब्राहिम अपना काम कर रहे हैं, छुरी को हुक्म हो गया तू चलेगी नहीं, आवाज आई बस बंद करो इब्राहिम, कद सद्दक्त रुया इन्नक ज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, बस करो तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और मैं नेक लोगों को इसी तरीके का बदला दिया करता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा और वो इस्माइल की जगह पर दुम्बा जिबा कर दिया गया। मेरे भाइयों, यहाँ शंकर ने गणेश की गर्दन उड़ाई, यहाँ इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई, वहां गणेश कट गए, यहाँ इस्माइल कटे नहीं, वहां गणेश को जिंदा रखने के लिए हाथी काटा गया, यहां इस्माइल की जगह पर दुम्बा आया है। कितनी धूल जम गई किताबों पर और जमाने गुजरते गए, इस वाकये को जब इस हकीकत के हकीकत की रोशनी में जब तलाश करते हैं तो पता चलता है कि किसी न किसी शक्ल में यह वाकया कुरान और हदीस की किताबों में मौजूद है, जिसको ये शंकर कह रहे हैं। हो सकता है हमारे यहाँ वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, और जिसको ये गणेश कह रहे हो सकता है हम उन्हीं को इस्माइल अलैहिस्सलाम मानते हों, और जिसको ये पार्वती मानते हैं हो सकता है कि हमारे यहाँ वही हाजरा हो, लेकिन हो सकता है कि साथ क्लियर हम भी नहीं कर सकते। इन चीजों के सामने देखिए तो पता चलता है कि हकीकत क्या है। ये धूल कौन साफ करेगा जो किताबों के जरिए चढ़ चुकी है? घर साफ करते हो, कपड़े साफ करते हो, बर्तन साफ करते हो, किताबों पर जो खुराफातों की धूल जम गई है उसे कौन साफ करेगा? अल्लाह ने तुम्हें फिल्टर दिया है, साफ करने की चीज दी है, पाउडर दिया है, और वो है कुरान करीम। इस कुरान करीम की कसौटी पर रखकर उस धूल को साफ कीजिए, हर चीज चमकती हुई सोने की तरह आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है, हिंदू धर्म की बुनियाद भी उन्हीं 5 चीजों पर टिकी हुई है। बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादत अल्ला इलाह इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व हज्ज व सौम रमज़ान।
इस्लाम की बुनियाद इन पांच चीजों पर है। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वो अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इकामिस्सलाह, और नमाज कायम करो। व इताइज़्ज़का, और ज़कात अदा करो। वल हज, और हज करो। व सौम रमज़ान, और रमज़ान मुबारक के पूरे महीने के रोजे रखो। ये इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद जिन पांच चीजों पर है, महाभारत उसी को यूं कहती है, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मादित्य नास्ति निनास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु षष्ठं कर्तव्यः, तृतीय वस्तु दानं दीक्षितः, चतुर्थ वस्तु वरधारी, पंचम वस्तु तीर्थयात्रा कर्तव्यः। यही सनातन धर्म की बुनियाद बताई गई। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन, सनातन धर्म पांच चीजों का नाम है। सनातन धर्म पांच चीजों का नाम है। प्रथमा वस्तु, पहली चीज, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं, नेह बिल्कुल नहीं, नाना कतई नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही इस दुनिया का बनाने वाला क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं। इस विश्व का निर्माण करता एक ही है, इस विश्व का बनाने वाला एक ही है, इस महान जगत का स्वामी एक ही है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं, नेह बिल्कुल नहीं, ना ना कतई नहीं, हरगिज नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। ये कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? शहादत अल्लाह इला इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य, दूसरी चीज है अर्जुन, साष्टांग करो। साष्टांग ये बड़ा अजीब जुमला है, हिंदू लोग आज भी साष्टांग करते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता ये साष्टांग करते हैं कि बीस टांग करते हैं। सा अष्टांग, इसको जब मिलाया जाएगा तो पढ़ा जाएगा साष्टांग। अष्ट के माना संस्कृत में होते हैं आठ, सा अष्ट, अब मिलाइए तो पढ़ेंगे साष्ट, सा अष्ट यानी साष्ट, आठ के साथ, आठ के साथ अंग, सा अष्ट अंग, साष्टांग, आठ अंगों के साथ धरती पर रखकर, आठ अंगों को धरती पर रखकर ईश्वर को प्रसन्न करो। आठ अंग जमीन पर रख के कोई बताए? आठ अंग सिर्फ सजदे में होंगे, बस कोई और दूसरी शक्ल है ही नहीं। सजदे में आप जाइए, माथा और नाक कितना है? दो हाथ कितना? चार, और दोनों घुटना कितना हुआ? छह, और दोनों पैर आठ। सा अष्ट अंग, कृष्ण जी कह रहे अर्जुन साष्टांग करो यानी सजदा करो, और खुल के कह दूं नमाज पढ़ो। पहली चीज, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, दूसरा नहीं, यानी एक ही अल्लाह इबादत के लायक है, दूसरा नहीं। दूसरी चीज साष्टांग, आठ अंग यानी सजदा करो। आज भी बड़े बड़े जहां गंगा है, बनारस में आ जाइए, इलाहाबाद में आ जाइए, हरिद्वार चले जाइए, पंडित लोग साष्टांग करते पूरा ऐसे लेट जाएंगे। हूं पट, एक दो पंडितों से मैंने पूछा भी था, ये क्या कर रहे हो? कहते साष्टांग। मैंने कही साष्टांग है कि बीस टांग? अंग गिनो कितने हैं। तो कहने लगे फिर साष्टांग क्या हुआ? फिर मैंने बताया कि लहर तुम तो अपने जैसी कहोगे, हक बात तस्लीम कर लेना, हर किसी के बस की बात नहीं है, जो जल्दी कबूल कर ले। तुम अपनी मीनिंग से देखो, सा अष्टांग, साष्टांग का मतलब ही होता है आठ अंगों के साथ, और आठ अंग सिर्फ सजदे के अंदर होते हैं। तृतीय, यहां क्या कहा? इकामिस्सला, नमाज पढ़ो। तीसरी चीज इस्लाम ने क्या कही? जकात दो। व ईताइज़्ज़का, जकात दो।
और यहां कृष्ण जी क्या कह रहे अर्जुन, दानम दीक्षता, दान दो, दान खैरात करो, यहां जकात वहां खैरात। चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, चौथी चीज व्रत उपास रोजा, यहां चौथी चीज वसौमी रमजान, रमजान के पूरे महीने का रोजा। वल हज, यहां पांचवी चीज हज, वहां तीर्थ यात्रा कर्तव्य, तीर्थ यात्रा करो किसी पवित्र शहर में, गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हां, आगे का मतलब बड़ा अजीब है, वो समझना पड़ेगा। स्नान कर्तव्य, उसमें डुबकी लगाओ ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं, ये चीज समझने की है। कृष्ण जी कह रहे हैं पांचवी चीज तीर्थ यात्रा करो, यानी अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर चले जाओ, गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, स्नानम कर्तव्य, उसमें स्नान कर लो। इसी वजह से हिंदू भाई गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि पाप मिट जाएं, चाहे कितने गुनाहगार हो डुबकी लगाओ पाप धुल गए, जबकि इसका मतलब यह है किसी ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, जहां पानी ऐसा मौजूद हो, और उसमें डुबकी लगाने का मतलब यह कि उस शहर में चले जाओ, गंगा जल में पवित्र शहर में चले जाओ का मतलब यह कि मक्के में चले जाओ, और डुबकी लगाने का मतलब यह है कि मक्के में दाखिल हो जाओ, यानी हज करो। हमारी हदीस कहती है नबी अकरम ने फरमाया कि जब कोई हज के मैदान में, अरफात के मैदान में जब हाजी हज करता है और कहता लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो गोया कि उसने अपने गुनाहों से अपने आप को पाक को साफ करा लिया है। फरिश्ता आवाज देता है, अरे हाजी आज तुझे अल्लाह ताला ने गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाक को साफ कर दिया जैसे तू अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। धोबी की भट्टी में जिस तरह कपड़े का मेलू कुचैल साफ हो जाता है, उसी तरीके से तेरा भी, तेरे गुनाह सब मिट गए। अरे हाजी अपने शहर जाने के बाद, अपने मुल्क में जाने के बाद, अपने गुनाहों से फिर से अपनी जिंदगी को काला और सियाह न कर लेना। तो तीर्थ यात्रा का मतलब यह है कि हज कर लो, पवित्र शहर चले जाओ, वरना डुबकी लगाने से गुनाह माफ नहीं होते हैं। माफ करना, अगर डुबकी लगाने से गुनाह माफ होते और पाप मिटते तो वो फिल्म न बनती, और वो फिल्म में ये गाना नहीं बनता। अगर ये गाने में थोड़ी बहुत भी झूठ होता तो सेंसर बोर्ड उस गाने को पास नहीं करता, वो गाना आज तक चलता है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम की गंगा भी कभी मैली हो सकती है? नहीं। मतलब कहने वाले का ये था कि जब ठेका ले लिया, चाहे कितने गुनाह करो, गंगा में डुबकी मारो पाप मिट जाएंगे, तो गंगाओं में इतने पाप हैं, जो आया गुनाह करके वो डुबकी लगा रहा है, वो तो गुनाह से मिट गया, लेकिन वो गुनाह गंगा में इतने भर गए हैं, अब जो भी डुबकी लगाएगा उसके गुनाह मिटेंगे नहीं, बल्कि जो गंगा में पाप है वो चढ़ेंगे और उसके ऊपर। आज तक ये गाना चलता है, बजता है, और इसको कोई निकाल नहीं सका, जबकि केंद्र में सरकार भी तुम्हारी है, पक्के राम के मानने वाले भी हैं, और गृह मंत्री जी भी तुम्हारे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जब उनके अंडर में हैं, तो फिल्म भी दुनिया से ये गाना निकालने में उनको टाइम ही कितना लगेगा, लेकिन आज तक नहीं निकाल सके, क्योंकि इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। तो पांच चीजें जो हमारे यहां भाई तुम्हारे यहां, और तौहीद पूछो मत। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी रिशा, कोई जवाब है इस मंत्र का?
यजुर्वेद का मंत्र है। यचित्ति याचना के माना भीख मांगना, संस्कृत में यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस है, मांगो यो उससे, यो इसमें इशारा बड़ी ईद के लिए दो बार आ रहा है, यो यचित्ति यो यो मांगो उससे वही है देने वाला। देखिए यचित्ति यो यो मांगो उससे वही है देने वाला, तिम्मिम्मा वही तुम्हारी झोलियां भर सकता है, वही तुम्हें सब कुछ दे सकता है। और इसके आगे तो खुलकर नस्तस्मा देविशो, नस्तस्मा देविशो नहीं दे सकता है कोई भी देवी देवता रीरिशा कुछ भी, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। और क्या चाहिए इससे ज्यादा खुलकर अब क्या कहें, मांगो उससे वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इन्नल्लज़ीना तदउून मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तन्क़िज़ुहु मिन्हु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके पास जा रहे हो, अल्लाह के अलावा तुम जिनसे भी बेटा बेटी मांग रहे हो, अल्लाह के अलावा जिनसे भी तुम मदद की गुहार लगा रहे हो, लन यखलुकू ज़ुबाबन वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की शक्ति नहीं रखते। वो यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबुश्शैअन अगर मक्खी उनसे थोड़ी सी कोई चीज लेकर छीन कर चली जाए तो ये सब मिलकर उस मक्खी को पकड़ कर मक्खी जो चीज लेकर गई उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से चीनी शक्कर का एक दाना तक छीनने की ताकत नहीं रखता है वो तुम्हें क्या देगा और तुम्हारी मदद क्या करेगा। अल्लाह ने यहां पर लाकर उस मंत्र को जीवित कर दिया है और कह दिया है कि देखिए हिंदू धर्म की तालीम भी यही है, ये किसी नबी की तालीम रही है। नस्तस्मा देवी शोरी रिशा उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ भी नहीं दे सकता। लई अखलुको जुबाबन एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता कोई, वो यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन मक्खी कुछ लेके चली जाए तो वो छीन भी नहीं सकता। अब सुनिए हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, रोजी देने वाला अलग, बारिश बरसाने वाला अलग, पैदा करने वाला अलग, जो तीन बड़े बड़े खुदा माने जाते हैं हिंदू धर्म में वो तीन हैं बड़े बड़े, ब्रह्मा विष्णु महादेव। ब्रह्मा दुनिया का बनाने वाला, ये है क्रिएटर। विष्णु ये है पैदा करने वाला, ये है पालने वाला। विष्णु ये परवरिश करता है, पालता है, रोजी रोटी देने वाला। और महादेव यानी शिव ये हैं मारने वाले, ये हैं मारने वाले। लेकिन ऋग्वेद क्या कहती है, अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति, मैं ही ब्रह्मा हूं। ये लीजिए, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव, मैं ही क्रिएटर हूं, दुनिया बनाने वाला मैं ही हूं, अहम विष्णु मैं ही परवरिश करने वाला हूं, पालने वाला हूं, अहम शिव अस्ति मैं ही मौत देता हूं, अहम सूर्य अस्ति मैं ही सूर्य हूं, अहम चंद्र अस्ति मैं ही चंद्रमा हूं, यानी रात निकालने वाला और दिन निकालने वाला भी मैं ही हूं, ये सब मेरे हुक्म के बगैर नहीं होते हैं, ये सब मेरे कंट्रोल में है। मानते रहो तौहीद ये है, तौहीद ये है। न काष्ठे अस्ति न पत्थरास्ति, उस ईश्वर को न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो, वो ईश्वर है उसको न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो। ओम निराकारम अस्ति निराकारम अस्ति, वो ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं, उसकी कोई शक्ल बना ही नहीं सकता है,
लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं। ये लीजिए तौहीद हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी यही है। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउक वला यज़ुर्रु, इसी को कुरान ने कहा है। वला तदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो। मा ला यनफउक वला यज़ुर्रु, वो तुम्हें नफा और नुकसान नहीं दे सकता है। नफा और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये तौहीद है हमारे हिंदू भाइयों के दर, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ। आइए एक चीज और बता दें, इसके बाद दूसरी चीज नमाज। नमाज का एक तकाबुल करते हैं, नमाज कहाँ है? अभी तो सजदा बता दिया साष्टांग, लेकिन नमाज भी है हिंदू भाइयों में। नमाज क्या है? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10। आप लोग तो बिहार वगैरह में, बंगाल में रहते हैं, इन मंत्रों को मैंने अयोध्या में भी पढ़ा है, जबकि अयोध्या पंडितों के मामले में सबसे आगे है। और आप तो जानते हैं कि मेरी ख़ास तौर पर मेरी तकरीर के मंत्रों को बड़े उछाल कर पेश किया जाता है, और मैं बोलता कुछ हूँ और हेडिंग कुछ और बनाई जाती है। YouTube जब आप खोलेंगे और मेरी तकरीर देखेंगे तो आप हेडिंग देखेंगे, मौलाना को मोदी ने दिया अवार्ड, लेकिन ज़िंदगी में हमने मोदी को ओरिजिनल में शक्ल तक नहीं देखी। ये झूठ से पैसा कमाने वाले यूट्यूबर आपको बहुत मिलेंगे, उसकी शक्ल रियल में नहीं देखी, तस्वीरों में देखी, और अल्लाह करे कि ना देखूं रियल में। टीवी पे तो सभी देख लेते हैं, हमने भी देख ली, फोटो में देख लिया, कल देखा वो फेसबुक पे किसी ने डाला, फोटो डाला हुआ था, कुत्ता उसको नोच रहा था, और फिर नीचे डाल के उस पर पेशाब भी कर दिया था। ये कल की बात है, कल ही मेरे फेसबुक पे किसी ने डाला, तो वो होता चलता है, तस्वीर है, कुछ भी कर सकता है तस्वीर के साथ। कायनात में अगर तस्वीर की तस्वीर कुशी से और तस्वीर से अगर कोई बचा है तो वो हस्ती है हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। अगर आज नबी अकरम की तस्वीर होती तो ये दुश्मनान इस्लाम कितनी तौहीन करते। अगर आज अल्लाह के रसूल का फ़ोटो होता तो कितनी तौहीन करते, कैसे निकालते, कैसे कुत्तों के सामने डालते, कैसे खींचते। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनान इस्लाम की इन भयानक चालों से तूने महफूज फरमाया। तो मेरे भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 देखिए। योगी युजीत सतत मात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी चित्तात्मा निराशीर प्रग्रह। इसमें पहला ही शब्द योगी आया है, लेकिन आप लोग यूपी वाला योगी मत समझना, ये श्रीमद् भागवत गीता वाला योगी है, और यूपी वाला योगी नहीं है, ढोंगी है, दोनों में फर्क है। योगी उज्जीत सतत मात्मानं रहस्य स्थिता, ईश्वर की जब पूजा करो तो योगी बन जाओ। योगी, योगी उज्जीत सतत मात्मानं रहस्य स्थिता, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है, देख लीजिए आप करके। हिंदू धर्म में क्या होता है, मूर्ति के सामने खड़े हुए ओम नमः शिवाय, सिर्फ गर्दन का योग हो रहा है बस, पूरे शरीर का नहीं। पूरे शरीर का योग अगर देखना है तो आओ नमाज में। देखिए ये हाथ हिल रहे हैं, अल्लाहु अकबर, ये हाथों की एक्सरसाइज, पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं। फिर आपकी गर्दन सजदे की जगह पर, सर्वाइकल का सबसे बेहतर इलाज। लेकिन ऐसा ना, ऐसे करेंगे आप नमाज पढ़ रहे हैं, घड़ी देखेंगे, इमाम साहब सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दिए, आप घड़ी देखें कितनी लंबी सूरत पढ़ रहा है, तब नहीं।
आप ऐसा अल्लाह अकबर, अब देखिए आप नीचे सजदे की जगह पर आप रहिए, एक मिनट खड़े रहिए। ये गर्दन की एक्सरसाइज, सर्वाइकल का बेहतरीन इलाज, आर्थो स्पेशलिस्ट से पूछिए जो हड्डी के डॉक्टर हैं, ये इलाज। अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाइए, हड्डी रीढ़ की हड्डी इतनी सीधी कर लो कमर कि पानी का भरा हुआ प्याला या बर्तन आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरे नहीं, इस तरह रुकू होना चाहिए, पीठ बिल्कुल ऐसी सीधी। ये रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज। फिर सजदे में जब जाइए तो ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग तक, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा उस आदमी को जो पांच वक्त की नमाज पढ़ता है। क्यों? क्योंकि पांच वक्त इंसान जब सजदा करेगा तो सजदा एक ऐसी, आप खड़े हैं, सर्कुलेशन ब्लड का दिमाग तक नहीं जा पा रहा है, या जो स्पीड आपके दिमाग को खून की चाहिए, खून की जो रगे हैं दिमाग की वहां जो खून पहुंचना चाहिए, जितना हालत स्टैंडिंग में खड़े होने की हालत में नहीं पहुंच रहा। जब आप सजदा कर रहे हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपकी दिमाग की नसों तक पहुंच रहा है, ये ब्रेन हेमरेज से आपको बचाता है और आपके दिमाग और भूल चूक की बीमारी से आपको दूर रखता है। ये पूरे शरीर का एक्सरसाइज सिर्फ नमाज के अंदर। योगी उज्जीत सतत मात्मानम, हाय अर्जुन जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। सतत मात्मानम, और इसको हमेशा पकड़े रहो, कभी मत छोड़ो। रहस्य स्थित था, अगर एक भी टाइम छोड़ दिया तो तुम स्थित न रहोगे, कायम न रहोगे, धर्म पर जमे नहीं रहोगे। मंतर कसलाकर, अगर तसद जान बूझ कर नमाज छोड़ी जिसने, उसने कुफर किया। एकाकी, हाय अर्जुन जब ईश्वर की पूजा के लिए खड़े हो तो एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यत्तात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो, पूरा दिमाग उसी की तरफ लगा दो। देखिए अल्लाहु अकबर, पूरा दिमाग वही लगना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं। यत्तात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यत्तात्मा निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, सबसे ना उम्मीद हो जाओ, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना, क्योंकि उसी के सामने खड़े हो, वो तुम्हें सब कुछ देगा। परिग्रह, वही तुम्हें देगा, वही तुम्हारी झोली भरने वाला है। सबसे निराश हो जाना लेकिन उससे नहीं। हृदय नमः, जब खड़े हो तो अपने हृदय सीने पे हाथ रख लेना। हिंदू भाई यूं रख लेते हैं, आपने देखा होगा ना, हृदय ये सीने पे हाथ रखते हैं, ओम भूभुर्भुवस्व सीने पे। हम लोग भी सीने पे रखते हैं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं तो नीचे भी रखते हैं, अपना अपना है कर रहे हैं। ये दौर नहीं है किसी के ख़िलाफ़ बोलने का, इस वक्त हमें और आपको सबको एक प्लेटफार्म पे आने की ज़रूरत है। ये मौका नहीं है मसलकों के झगड़े में उलझने का, बहुत लड़ चुके हैं हम और आप, अब अल्लाह के वास्ते एक प्लेटफार्म पे आ जाइए। अपने आपसी झगड़े छोड़कर यूपी में फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, अल्लाह करे कि यूपी वालों को बंगाल वालों की तरह अकल आ जाए, अल्लाह करे कि यूपी वालों को बंगाल वालों से इबरत मिल जाए और बंगालियों से कुछ सीख कर एक प्लेटफार्म पर आ जाएँ। अगर वहाँ एक हो गए तो इंशाल्लाह सेकुलर पार्टी आ सकती है, और अगर हम बट गए तो, मैंने कभी कहा था कि तुम तो राजा नहीं बन सकते हो मुसलमानों, तुम तो राजा नहीं बन सकते हो, लेकिन हकीकत ये भी है कि तुम्हारे बिना कोई दूसरा भी राजा नहीं बन सकता है, अगर तुम अपनी ताकत को पहचान लो तो, तुम अपनी ताकत को पहचान लो तो। वहाँ बांटने की कोशिश की जा रही है, बंटवारा किया जा रहा है, मसलकों पे भी बांटने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दे। इस वक्त इस दुआ की ज़रूरत है, तो कोई ऊपर बांधता है, कोई नीचे बांधता है, लेकिन हृदय, कृष्ण जी क्या कहते हैं, सीने पे हाथ रख लो, नमः
सर सजदे की जगह पे झुका लो, नमा सर नीचे झुका लो, हृदय नमा, और उसके बाद क्या पढ़ो, महीदेवस्य सवितुः परिष्टुति मसुर दयामाना नये सुपा।